ठीक है, ऑल टर्म्स लिखते हैं, लिखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इट इज द फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। मतलब कि भाई लाइट के पास मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, लाइट है ना, फ्रीक्वेंसी लाइट की होगी ना, तो जो लाइट तुम मेटल पे गिरा रहे हो उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं। हम ये नहीं बोले कि भाई तुम एनर्जी से निकालो, बस तुम बाहर निकाल दो। अगर तुम्हें सिर्फ बाहर निकालना है तो भाई उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी कर दो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ बाहर निकालना है ना, तो हमें तो मिनिमम में काम करवाना है, तो हम तो कह रहे भाई हम तो जीरो काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकाल देते, हमारा काम सिर्फ बाहर निकालना है। तो केमेक्स क्या कर दो, जीरो। और केमेक्स क्या होता है तुम्हारा, एच न्यू माइनस फाइव, और इस समय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ गई तुम्हारी, फाइव आई एच। बोल भाई, बोल समझा, बोल। इतनी ज्यादा कम होती है, कम होती है, तो फिर हमें पता चला एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो इतनी ही है। मैंने मान ले ग्रीन लाइट डाली, ग्रीन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ना, मैंने रेड लाइट डाली नहीं निकले, रेड की कम होती है ना फ्रीक्वेंसी, हाँ, मैंने ऑरेंज डाली नहीं निकले, येलो डाले नहीं निकले, ग्रीन डाली निकल गए, तो मुझे बता रहा भाई मिनिमम ग्रीन की जो फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी चाहिए तुम्हें निकालने के लिए। रेड पे निकले, ऑरेंज पे नहीं निकले, येलो पे नहीं निकले, पर ग्रीन पे निकल गए, तो ग्रीन हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर देखो भाई, देखो न्यू इज लेस देन, इफ न्यू इज लेस देन न्यू है, अगर तुम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम दे रहे हो इसका मतलब तो इमिशन ही नहीं होगा, समझ में आया। अगर तुम न्यू इक्वल टू न्यू टी एस दे रहे हो तो इमिशन तो होगा, इमिशन तो होगा, पर काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, जीरो। अब इससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। भाई फोटो इलेक्ट्रिक ही पढ़ रहे हैं, सेम नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक ही पढ़ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी नहीं दे, फ्रीक्वेंसी देते नहीं है पहले, सर एक वेव होती है, वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, वेव वाला चैप्टर पढ़ पहले जाके ना। वेव होती है, वेव की कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कितने बार वो ऊपर नीचे होती है उस वेव को हम बोलते हैं, कितने बार वो ऊपर नीचे होती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये होती है उसकी वेवलेंथ, ये डिस्टेंस, समझ में आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी एक वेव की होती है, तो फोटोन की ही फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कोई नई चीज नहीं है, अभी भी हमने फोटोन गिराया, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। फोटोन दो अलग अलग थ्योरी है, उनको कंबाइन मत करो। उस समय जब यह आया था तो उस समय पूरी दुनिया कंफ्यूज हो गई थी कि लाइट को वेव माने या पार्टिकल माने। उस समय होता क्या था, कई चीजें ऐसी थी जो सिर्फ पता है लाइट को, जो लाइट को दोनों मान के एक्सप्लेन हो जाती हैं, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह। लाइट को चाहे वेव मानो चाहे पार्टिकल मानो, दोनों तरीके से एक्सप्लेन हो जाती है। फिर है भाई, हमने पढ़ा इंटरफेरेंस, डाइफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, वो लाइट को सिर्फ वेव मान के एक्सप्लेन होती है, समझ में आ रहा है। फिर हमने पढ़ा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें लाइट मतलब दोनों तरीके से बिहेव कर रही है, तो लाइट जब ट्रैवल करती है तो वो वेव है। इसमें क्या माना हमने, जब लाइट ट्रैवल कर रही है तो वेव है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है, पर जब एब्जॉर्ब हो रही है तो पार्टिकल है, जब इमिट हो रही है तो पार्टिकल है, पर जब ट्रैवल कर रही है तो वेव है। तो उस जमाने में पूरी दुनिया कंफ्यूज थी कि लाइट होती क्या है, ठीक है, और कब तक चली, 1923 तक चली। फिर 1924 में डी ब्रोगली ने इसको खत्म करा, उसने बोला भाई पार्टिकल, हर एक पार्टिकल वेव है और हर एक वेव पार्टिकल है। वेव और पार्टिकल दो अलग अलग चीजें नहीं होती, वेव और पार्टिकल एक ही चीज होती है, पर उसको पढ़ाने वाला था डी ब्रोगली आएगी आगे जाके। हाँ, और कुछ बड़े आगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिखने वाले थे, लिखो। इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट ए फोटोन मस्ट हैव टू इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, अच्छा ये बताए ना, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ कम होती है और एनर्जी बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से वेवलेंथ कम होती है ना, तो भाई लैम्डा क्या होता है तुम्हारा, सी बाई न्यू होता है, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाएगी, सी बाई, है ना, सी बाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम है, समझ में आ रहा है क्या। और भाई न्यू टी एच को क्या लिख सकते हो तुम, यहाँ से देखो फाइव आए, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या आ गई हमारी, एच सी वाई फाइव। एच सी की वैल्यू कितनी होती है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये सब क्लियर है क्या। तो अब लिखो लिनर्ट्स एक्सपेरिमेंट, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था क्या।